फाइनली दोस्तों प्रभास की फिल्म सालार की आज रिलीज डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है और इस फिल्म की रिलीज डेट रखी गई है 28 सितंबर 2023, यानी कि सालार फिल्म गांधी जयंती 2023 के मौके पर रिलीज होगी। लेकिन आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ऋतिक रोशन की फाइटर फिल्म जो कि पहले से ही गांधी जयंती पर अनाउंसमेंट हो चुकी है, मतलब कि ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर की रिलीज डेट तो बहुत पहले ही अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि ये फिल्म गांधी जयंती पर रिलीज होगी। अब ऐसे में बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर जो कि गांधी जयंती से पोस्टपोन होगी, लेकिन दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर जो कि सिर्फ और सिर्फ गांधी जयंती पर ही रिलीज होगी। ऋतिक रोशन एक बार गांधी जयंती पर अपनी फिल्म को रख देते हैं तो वहां से वो कभी नहीं हटाते, और आप सभी लोग जानते हैं कि ऋतिक रोशन की फिल्में क्लेश में ही रिलीज होती हैं, उनकी फिल्म सोलो कभी रिलीज नहीं हुई। जितनी भी फिल्में रिलीज हुई हैं वो सभी क्लेश में बिना रिलीज रही हैं, और उनका एक डेढ़ महीने बाद साउथ की बिगेस्ट फिल्म पोन्नियिन सेल्वन से क्लेश होने वाला है। और आप सभी लोग जानते हैं कि क्या अंजाम होगा, जैसा कि 2019 में बुआर से सायरा का क्लेश हुआ था तो साउथ की फिल्म सायरा का क्या हुआ था, उसी तरह से पोन्नियिन सेल्वन भी शायद हिंदी में ना चलेगी। अगर दोस्तों विक्रम बेदा फिल्म के सामने पोन्नियिन सेल्वन फिल्म नहीं चली तो आप लोग ये समझ जाना कि सालार फिल्म का भी वही हाल होने वाला है, क्योंकि ऋतिक रोशन लगातार दो बार साउथ की फिल्मों को फ्लॉप करवा चुके होंगे, क्योंकि इससे पहले वो सारा फिल्म को बुआर फिल्म से हरा चुके हैं, और इस बार फिर विक्रम बेदा फिल्म से शायद पोन्नियिन सेल्वन फिल्म को भी हराएंगे। फिर वो तो आप लोग समझ ही जाएंगे कि फाइटर और सालार फिल्म के बीच में क्या होगा। बताना चाहूँगा दोस्तों, ऋतिक रोशन की और प्रभास की 2019 में फिल्म आई थी बुआर और साउथ। आप सभी लोग जानते हैं कि इन दोनों फिल्मों की रिलीज में एक डेढ़ महीने का गैप था, जहाँ पर बुआर फिल्म ने 500 करोड़ कमाए थे जबकि साउथ फिल्म ने 400 करोड़ के अराउंड कलेक्शन किया था। वहीं पर प्रभास की लास्ट रिलीज फिल्म राधे श्याम ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 150 से 160 करोड़ के अराउंड किया था। मतलब कि आप लोग ये समझ लीजिए कि प्रभास का उतना स्टारडम नहीं है जितना कि आप लोग सोचते हैं। प्रभास की फिल्म बाहुबली सीरीज चली थी वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर SS राजामौली की वजह से चली थी, ना कि प्रभास की वजह से। और बाहुबली फिल्म के बाद प्रभास की जितनी फिल्में रिलीज हुई हैं वो सभी फिल्में फ्लॉप ही रही हैं। आप लोग समझ जाइए कि प्रभास का स्टारडम कितना है, जबकि ऋतिक रोशन की ऐसी एक भी फिल्म नहीं है जो कि किसी डायरेक्टर की वजह से चली हो। वो खुद ऋतिक रोशन खुद के स्टारडम पर चलाते हैं अपनी फिल्मों को, और उसी तरह से विक्रम बेदा चलेगी और फाइटर फिल्म तो आग लगाएगी बॉक्स ऑफिस पर, सिर्फ और सिर्फ आग। बाको क्रेज तो अलग ही लेवल का है। बताना चाहूंगा दोस्तों, जितना कलेक्शन राधे श्याम फिल्म ने लाइफ टाइम में किया है उतना कलेक्शन विक्रम बेदा अपने फर्स्ट वीकेंड में ही कर लेगी। जैसा आप लोगों को बता दूं दोस्तों, सालार फिल्म के मेकर्स ने सालार फिल्म की रिलीज गांधी जयंती पर रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। शायद वो इस फिल्म को पोस्टपोन या रीपोस्टपोन कर लें, बट गांधी जयंती पर रिलीज ना करें, क्योंकि फाइटर एक बहुत ही बड़ी फिल्म है और शायद सालार फिल्म को फाइटर की वजह से स्क्रीन्स भी ना मिल पाए। यही वजह है कि फाइटर फिल्म के सामने सालार को रिलीज ना करें। जैसा आप लोग कमेंट कर बताना कि सालार फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज रख कर क्या सही किया या गलत। और साथ ही साथ मैं आप लोगों की एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, मैं साउथ वालों को कभी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इनकी वजह से बॉलीवुड की फिल्में चलना बंद हो चुकी हैं। अगर हर कोई साउथ को सपोर्ट करेगा तो बॉलीवुड कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। मैं इसलिए सभी यूट्यूबर से गुजारिश करता हूँ कि वो साउथ को सपोर्ट करना बंद करें, बल्कि अपनी बॉलीवुड को ही सपोर्ट करें।